मेरा नाम गीतांजलि सिंह है और हम एक फिल्म लेकर आ रहे हैं फलसफा, जिसमें मैं ईशा का कैरेक्टर कर रही हूँ. और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं आज़ादी के दिन अपना फ्लैग होस्टिंग के लिए. सो या आई एम फीलिंग वेरी प्राउड. अच्छा लग रहा आपको आज की एक फिल्म स्टेशन में आके आपने 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया है, क्या कहना चाहिए? मुझे आज का दिन ही बहुत अच्छा रहता है, चाहे लगता है चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ आज का दिन. बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं आज के दिन के लिए. और आई थिंक आज़ादी नहीं है आपकी लाइफ में तो शायद कुछ भी नहीं है. सो ये दिन मेरे लिए बहुत मैटर करता है. किस तरह की मूवी है और किस तरह किरदार है? मूवी आई थिंक इट्स लाइक बहुत कॉन्सेप्ट है इस मूवी में, स्टोरी है, बहुत अच्छा एक मैसेज है. ये कहानी सिर्फ रिवेंज की नहीं है, इसका ये अदर साइड बताती है रिवेंज की. और इसमें बहुत डेप्थ है. और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये मूवी सिर्फ कुछ सेलेक्टेड ऑडियंस के लिए है, ये सबके लिए है ये मूवी. इसमें कहानी है जो हर कोई इससे रिलेट कर पाएगा. और मेरा जो किरदार है, जो ईशा का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल का है जो कभी गिव अप नहीं करती है. उसको अपना लाइफ में मोटिव पता है. और शायद अगर जो उसकी लाइफ में इंसिडेंट होता है उसकी वजह से थोड़ी शैटर्ड होती है इनिशियली, लेकिन बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है. एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ वो जो दूसरी स्टोरी जो है अमन की स्टोरी, वहाँ पर भी वो उसको बहुत जगह सपोर्ट कर रही है. अमन की जहाँ तक बात आई, आप स्टेशन में खड़े कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी इस पे एंगल है, इसे उसका है क्या पूछा आपने? इसका कोई एंगल है पुलिस का? आई थिंक कुछ है केसेस एंड ऑल कुछ हैं इसमें दिखाए गए हैं, बट इतना कुछ उस पर नहीं फोकस किया हमने. ज़्यादा आम लोगों पर ज़्यादा फोकस किया है इनमें, जैसा जैसे चलता है. एंड पुलिस तो लाइक हमारे हीरो हैं वो पुलिस. सो ये हीरो की नहीं, हीरो रन स्टोरी ही नहीं है, तो आई थिंक इसलिए पुलिस का एंगल ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है. आज का दिन बस ये कहना चाहूँगी आप सब बहुत इन्जॉय करें इस दिन को, और सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं माने, क्योंकि बहुत मुश्किलों से हमें आज का दिन मिला है. सो इसकी वैल्यू करें और अपनी कंट्री के लिए डेफिनेटली जितना आप कुछ कर सकते हैं डेफिनेटली करें. इतना ही कहना चाहती हूँ आज के दिन के लिए.